Hi everyone, this is dietitian Preeti Gupta. Today we are going to take the topic of bloating. तो जब हम एक bloating की बात करते हैं, पेट फूल जाता है, वो किस reason से होता है, आज हम उसकी बात करेंगे. तो first हमारा reason होता है कि water retention आपकी body में हो जाती है. Water retention का क्या मतलब है? कि कहीं कहीं आपका water रुकता है, तो वो आपकी bloating का बहुत बड़ा reason होता है. सेकेंड रीजन होता है आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है. आप जो भी खाते हो उसके बाद गैस फॉर्मेशन बहुत जल्दी होती है, उससे भी आपकी ब्लोटिंग का रीजन होता है. थर्ड रीजन होता है आपकी नींद पूरी नहीं होती. आप जैसे आप बिल्कुल टाइम पे नहीं सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, आपका रूटीन डिस्टर्ब्ड है, तब भी आपको ब्लोटिंग होती है. फोर्थ रीजन है आपकी जंक ईटिंग. जो आप फूड खाते हो बाहर से, आप ज़्यादा कंजम्पशन रहता है, बिल्कुल अनहेल्दी खा रहे हो, उससे भी ब्लोटिंग होती है. देन आपका शुगर इंटेक भी कई बार ज़्यादा होता है, स्वीट ज़्यादा खाते हैं, उससे भी ब्लोटिंग होती है. यहाँ तक कि मैंने देखा है लोगों को स्ट्रेस जो लेते हैं उनसे भी ब्लोटिंग बहुत जल्दी होती है. तो देर आर मेनी रीजंस जो हमें देखने पड़ते हैं कि ब्लोटिंग क्यों है. कई लोगों का देखा मैंने कि रात का सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो सुबह उनकी ब्लोटिंग ज़्यादा होती है. उसके बाद जब वो धीरे धीरे दिन में सेटल होते हैं तो उनकी ब्लोटिंग अपने आप रिड्यूस हो जाती है. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारा रीज़न क्या है. या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, कि आप अपना खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे हो, पानी की कमी की वजह से भी ब्लोटिंग होती है. आप प्रॉपरली अपना जो 8 से 10 ग्लास पानी है वो नहीं पी रहे हो, तो उससे भी आपकी ब्लोटिंग होती है. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्या रीज़न है, हमें क्यों ब्लोटिंग हो रही है, इसके बाद हम सोल्यूशन उसका निकालते हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम बताएंगे कि आप क्या सोल्यूशन अपना सकते हो इफ़ यू हैव द ब्लोटिंग. थैंक यू.